प्रभु की स्तुति हो। एक साल हो चुका है, अगर हम ये मायने पकड़ेंगे तो हम लॉकडाउन से गुजर गए हैं, और प्रभु विश्वास योग्य था, हमको संभाला और ये ऑनलाइन सर्विस चालू रखा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी जो इस ऑनलाइन यूट्यूब सर्विस को आप देखते रहे, कमेंट मारे और वफादार रहे, मैं सब को धन्यवाद थैंक यू कहना चाहूँगा। काफ़ी काम है इसके पीछे और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमें मदद किया है, सामर्थ दिया है। आप हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो कि ये जारी रहेगा और सबको ये संदेश मिल सकेगा। धन्यवाद, हालेलुया। जैसे आज वचन में जाएंगे, हम एक विषय के ऊपर मनन करेंगे और वो है सुसमाचार और परमेश्वर का न्याय। सुसमाचार और परमेश्वर का न्याय, क्या सुसमाचार और परमेश्वर के न्याय में कुछ संबंध है, कुछ कनेक्शन है? सुसमाचार और परमेश्वर का न्याय, आज हम उसके ऊपर मनन करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह एक संबंध है, एक कनेक्शन है। इसके लिए हम यूहन्ना का 3:16 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से किताबों में, हिंदी किताबों में, इंग्लिश बाइबल में नाश वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ यूहन्ना 3:16 में सब बाइबल में ये लिखा है, ये जो वर्ड है नाश। तो हमको पढ़ना होगा यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं दूसरा वचन से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब हम मनन करेंगे इस शब्द के ऊपर नाश। क्यों प्रेम के सुसमाचार में ये जो शब्द आ गया है नाश, और ये नाश का मतलब क्या है, किधर वो नाश होगा? क्या एक संभवता है कि नाश होने का संभवता है, चांसेस है? अगर होगा तो किस तरह होगा और क्यों होगा? प्रभु की स्तुति हो। जैसा मैंने सुसमाचार के बारे में सीखा, मैंने ये देखा कि सुसमाचार परमेश्वर के न्याय से सहमत है, पूर्णता से। सुसमाचार दोहराता है कि परमेश्वर का न्याय होगा, उससे पूरा सहमत है, परिपूर्णता से। सुसमाचार परमेश्वर के न्याय के विरोध में आता है। सुसमाचार कहता है कि एक दिन न्याय होगा। दूसरा मैंने देखा है कि सुसमाचार इंसान को, पापी मनुष्य को न्याय से छुटकारा भी देता है। और तीसरी चीज मैंने देखा है कि सुसमाचार प्रभु यीशु को न्यायाधीश के रूप में पेश करता है। जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, जैसे हम
ये विषय के बारे में हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु हमारे साथ बातें कर और वचन के द्वारा हमें सिखा तेरे सुसमाचार और वो न्याय जो आने वाली है उसके बारे में हम सीखना चाहते हैं। इस मीटिंग के ऊपर तेरा अभिषेक, यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। सुसमाचार परमेश्वर के न्याय से सहमत है पूर्ण तरह से। सुसमाचार परमेश्वर के न्याय से सहमत है कि एक दिन न्याय होगा अंतिम दिन में, और जब परमेश्वर न्याय करेगा लोगों के ऊपर दंड गिरेगी, और जिन्होंने परमेश्वर के नियम तोड़ा है उनके ऊपर दंड गिर जाएगी और वो नाश की जगह में जाएंगे, अनंतकालिक नाश की जगह में जाएंगे, या बाइबल में लिखा है नरक में जाएंगे। आप कहेंगे मुझे लगता है सुसमाचार सिर्फ प्रेम का होना चाहिए, अनुग्रह का होना चाहिए, अब ये नाश क्यों आए बीच में? मैं ऐसा लगता है कि सुसमाचार में सिर्फ प्रेम ही प्रेम, अनुग्रह ही अनुग्रह, लेकिन सुसमाचार में एक जगह है जहां लिखा है जिन्होंने सुसमाचार को नकारा है वो नाश के जगह में पहुंच जाएंगे। अब ये जो नाश है ये क्या है? मैंने अभ्यास किया है, मैंने ग्रीक वर्ड देखा है, हिब्रू वर्ड देखा है, काफी सारे वर्ड्स है, अलग अलग वर्ड्स है बाइबल में, कम से कम 13 वर्ड्स है अलग अलग वर्ड्स, लेकिन ये सब जो शब्द क्या बताता है हमें कि नाश यानी खत्म होना, यानी परमेश्वर से अलग होना, दंड गिरना, बुरे जगह में जाना, आत्मिक नाश, आत्मिक नाश, हमेशा परमेश्वर से अलग होना और बुरे जगह में पहुंचना, तो ये सब बाइबल हमें बताती है। ये सिर्फ शारीरिक मरण के बारे में नहीं बता रहा है लेकिन हमारे आत्मिक नाश, हमारा प्राण का नाश, हमारा आत्मा का नाश अगर हम सुसमाचार को नकारेंगे। यूहन्ना 3:18 वचन हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यहाँ दोष दंड किसके ऊपर गिरता है? जिन्होंने नाकारा है सुसमाचार को। जब हम नाकारते हैं हम गंभीर स्थान में पहुंचते हैं, नाश के स्थान पे पहुंचते हैं, हम दोषित स्थान पे पहुंचते हैं, क्योंकि हमने जो परमेश्वर ने देन दिया है उसको हम नाकारे हैं। यूहन्ना 3:36, जॉन 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो हम देखते हैं इस नाकारने से क्या होता है, न केवल हम दोष के स्थान पे पहुंचते हैं, जब हम पुत्र को नाकारते हैं, उसके सुसमाचार को नाकारते हैं, तो हम परमेश्वर के क्रोध के स्थान पे पहुंचते हैं। परमेश्वर क्रोधित होता है क्योंकि हमने उनके देन को नाकारा है। यूहन्ना 5:29, जॉन चैप्टर 5:29। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ लिखा है दो ग्रुप के लोग हो जाएंगे, एक है जिन्होंने विश्वास किया है सुसमाचार को अपना है, वो पुनरुत्थान हो जाएंगे लेकिन अच्छे जगह में पहुंच जाएंगे, और दूसरे जिन्होंने सुसमाचार को नकारा है वे दंड के पुनरुत्थान। सो एक जगह है आशीर्वाद के पुनरुत्थान और दूसरा है दंड के पुनरुत्थान, यानी वो पुनरुत्थित हो जाएंगे लेकिन उनके ऊपर दंड गिर जाएगी और वो अंतिम दिन में होगा। तो दो तरह का पुनरुत्थान है, एक है
पुनरुत्थान जिसमें लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगी, दूसरा पुनरुत्थान है जिसमें लोगों को क्या मिलेगा, दंड मिल जाएगी। यूहन्ना का 8वां अध्याय 24वां वचन, जॉन चैप्टर 8 एंड वर्सेस 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो यीशु जो फरीसी उनको नाकार रहे थे, उनसे कहा अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे, मुझे नाकारोगे, तो आप पापों में मरोगे। इसका मतलब क्या है, पाप का दंड आपके ऊपर रह जाएगी, वो निकल नहीं जाएगी। मरने के बाद एक दिन जो पाप का दंड आपके ऊपर गिरना है वो गिर जाएगी। तो इसीलिए यीशु ने उनको बताया मुझे अपनाना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो तुम पाप के दंड में मर जाओगे। रोमन चैप्टर 6:23a, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहां साफ साफ लिखा है जो पाप में जीते हैं उनको दंड अवश्य मिलेगा और मृत्यु अनंत काल मृत्यु। पौलुस रोमियो की किताब में बहुत कुछ बताता है न्याय के बारे में, सुसमाचार भी बताता है, लेकिन जो न्याय जो आने वाली है उसके बारे में भी वो बताता है। रोमियो का 2वां अध्याय 2 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। अतः हे दोष लगाने वाले, तो कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता वह स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी दंड को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर की सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का सच्चा न्याय एक दिन प्रकट होगा, जहां परमेश्वर का क्रोध हमें दिखाई देगा। तो पौलुस कहता है कि एक दिन होगा जहां परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा और सब व्यक्ति को न्याय का दंड मिल जाएगी। उसी किताब में 11 और 12 वचन पढ़ेंगे, 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर किसी की पक्षपात नहीं करता, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि न्याय का दंड सब पापियों को मिल जाएगा। हिब्रानी की किताब 9वां अध्याय 27 हिब्रूज 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो यहाँ लिखा है पौलुस कहता है कि मनुष्य एक बार जिएगा और बाद में मरने के बाद उसका क्या होगा, न्याय होगा, वो अवश्य है। हिब्रानी की किताब 10वां अध्याय 27 वचन हम पढ़ेंगे, 27th verse। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों के भस्म कर देगा। आमीन। तो न्याय के बारे में वो बात कर रहा है लेखक, और 30 और 31 पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है,
मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। साफ साफ लिखा है कि एक दिन न्याय होगा और परमेश्वर न्याय करेगा, सब लोगों का न्याय करेगा। और एक किताब हम पढ़ेंगे, यहूदा की किताब पहला अध्याय और 14 और 15 पढ़ेंगे, जूद चैप्टर 1:14-15। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लोगों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। तो ये अंतिम दिन का न्याय के बारे में बाइबल में लिखा है इस किताब में कि जब युग समाप्त हो जाएगी तब परमेश्वर सबका न्याय करेगा अंतिम दिन। आखिरी में और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20:11-15, रेवलेशन चैप्टर 20:11-15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उनको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुली गई और फिर एक और पुस्तक खुली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। तो अब ये क्या है, दूसरा मरण। दूसरा मरण कब होगा, जब अंतिम न्याय होगा। तो ये दूसरा मरण का न्याय हम देखते हैं, इस न्याय में कोई नहीं बच पाएगा। जैसा आपने बुराई किया है उसी तरह से परमेश्वर के पवित्र इंसाफ से आपको दंड मिल जाएगी। तो ये जो सफेद सिंहासन का न्याय है, ये न्याय में सब लोग पुनरुत्थित हो जाएंगे, सब पापी पुनरुत्थित हो जाएंगे और उनको न्याय का दंड मिल जाएगी। अब ये जगह में बचने का कोई मौका नहीं है, तो हम प्रार्थना करना चाहिए कि ये जगह पे कोई पहुंचना नहीं चाहिए। लेकिन ये जगह पे कौन पहुंचेंगे, जिन्होंने परमेश्वर के जो ऑफर है दान को नाकारा है, तो वो ये जगह पे पहुंचेंगे। तो सुसमाचार बताती है हमें कि न्याय होगा, एक दिन न्याय होगा। तो सुसमाचार परमेश्वर के न्याय से सीमित है, सुसमाचार परमेश्वर के न्याय से सीमित है, पूर्णता से विरोध नहीं करते, न्याय तो होगा। ये सुन के हमको डर लगता है, अरे सुसमाचार है न्याय भी है, तो हम भयभीत होते हैं। भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि सुसमाचार में सुविधा है। क्या सुविधा? सुसमाचार हमें न्याय से मुफ्त करती है, मुक्ति देता है, छुटकारा देता है। ये है खुशखबर, सुसमाचार हमें न्याय के दंड से, हमें न्याय से क्या कहता है, करता है मुक्ति या छुटकारा देता है। हालेलुया, ये खुशखबर है। सुसमाचार हमें
सब डर से, जो न्याय का दंड हमारे ऊपर गिरना है उससे हमें मुक्ति देता है, और किन को, जिन्होंने विश्वास किया है, तो उनके ऊपर दंड लागू नहीं होगा, न्याय लागू नहीं होगा, अनंतकाल दाश लागू नहीं होगा, दूसरा मरण उनके ऊपर नहीं गिरेगी। ये लोग मृत्यु से अनंतकाल जीवन में दाखिल हो जाते हैं। आइए हम ये वचन पढ़ेंगे जहां लिखा है सुसमाचार हमें मुक्ति देता है, यूहन्ना का 12:31, John 12:31। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब ये सरदार कौन है? ये सरदार शैतान है। इस संसार का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार, यानी ये जो शैतान राज कर रहा था इस जगत के ऊपर, उसके पास अधिकार था, पापियों के ऊपर अधिकार था, और उसके पास अधिकार था सब पापियों को नरक में लेके जाने का अधिकार था। लेकिन यीशु कहता है अब कुछ परिवर्तन होगा, उसके अधिकार टूट जाए, क्योंकि मैं अभी क्रूस पर जाने वाला हूं, मैं क्रूस पर लोगों के लिए अपना जीवन कुर्बान देने वाला हूं, बलिदान देने वाला हूं, और उस बलिदान से पापियों को छुटकारा मिल जाएगी, और शैतान का जो अधिकार है पापियों के ऊपर वो टूट जाएगी। यानी अब शैतान सब पापियों को नरक में नहीं लेके जा सकेगा, शैतान सिर्फ वो पापियों को लेके जा सकेगा जिन्होंने यीशु को नकारा है, या सुसमाचार या क्रूस की कुर्बानी को नकारा है, सिर्फ वो लोग नरक में जाएंगे, बाकी के लोग नरक में नहीं जाएंगे। इसलिए यीशु कहता है अब वो सरदार हट गया है, उसका अधिकार टूट चुका है। किसके कारण? मेरे क्रूस के कारण। तो हम देखते हैं यीशु के क्रूस के कारण सब कुछ बदल जाता है, शैतान का अधिकार भी टूट जाता है। बाइबल में लिखा है इसीलिए परमेश्वर का पुत्र जगत में आया था कि वो शैतान के कामों को क्या करे, नष्ट करे, शैतान के कामों को क्या करे, नष्ट करे। तो हम देखते हैं, वापस हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16 वापस पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या, नष्ट न हो जाए, नाश न हो जाए, परंतु अनंत काल जीवन पाए। तो जो कोई सुसमाचार को अपनाता है पाप का दंड चला जाता है, दूसरा मृत्यु, दूसरे मृत्यु का अधिकार नष्ट हो जाती है, और उसको जीवन मिलता है, न टूटने वाली रिश्ता मिलता है। यूहन्ना 5:24 John 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो कोई यीशु को अपनाता है उस पर दंड का अधिकार नहीं, आज्ञा नहीं, वो दंड निकल जाता है, क्योंकि वो दंड उसके ऊपर गिरना था, यीशु के ऊपर गिर गया, और वो मृत्यु यानी अनंतकाल मृत्यु नाश से, दूसरे मृत्यु के नाश से निकलकर जीवन में पार हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो वो बच जाता है। तो बाइबल हमें साफ साफ बताती है यीशु के क्रूस की कुर्बानी हमें मृत्यु से छुटकारा देता है। यूहन्ना 8:36 John 8:36, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु कहता है पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा क्रूस के द्वारा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु उसके क्रूस के द्वारा हमें स्वतंत्र करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ न टूटने वाली रिश्ता कर सकते हैं।
रोमियो का 5:8-9 पढ़ेंगे, रोमन चैप्टर 5:8-9। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हालेलुया। जब हम पापी थे वो हमारे लिए मरे, इसलिए हम अब परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। परमेश्वर एक दिन जब न्याय करने आएगा उसका क्रोध दिखाएगा, लेकिन उसका क्रोध किसके द्वारा दिखाएगा? प्रभु यीशु के द्वारा दिखाएगा। और अब हम यीशु के क्रूस की कुर्बानी के कारण उस क्रोध से, आने वाले क्रोध से हम बच गए हैं, बच गए। रोमियो का 8:1, रोमन चैप्टर 8:1। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हम देखते यहाँ लिखा है जो कोई यीशु में है उनके ऊपर दंड लागू नहीं, दंड का अधिकार नहीं, वो दंड से, न्याय के दंड से छुटकारा पाए है। उसी किताब में हम लोग 31 से 34 तक पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यह हम देखते बहुत सारे शब्द लिखा है वो लॉ के जैसा, यानी कोर्ट में जो भाषा होता है उस तरह लिखा है कि अब हमारे ऊपर दोष कौन देगा, हमारे विरोध कौन आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर अब हमारे साथ है और हमको उसने धार्मिक ठहराया है। अब हमारे ऊपर दंड नहीं है, दंड का आज्ञा नहीं है, और जो हमारा न्याय करने वाला था अब हमारे लिए क्या करता है? मध्यस्थी प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए, वो निवेदन करता है या मध्यस्थी प्रार्थना करता है। तो न्याय करने वाला भी हमारे लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थी प्रार्थना करता है ताकि हम हमारे दौड़ को अच्छी तरह से चले और एक दिन हम उसके महिमा में जाए। तो जो व्यक्ति एक दिन हमारा न्याय करने वाला था अब हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है, हमें उत्साहित करता है, हमारे जीवन के सफर में वो हमारे करीब है और वो सारी सुविधा हमें देता है था कि हम उसके पास आ जाए। और एक वचन हम पढ़ेंगे, गलती करास 3:13, गलेशियन चैप्टर 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो पाप के कारण हम न केवल क्रोध के जगह में आए, हम श्राप के जगह में आए। जब मनुष्य पाप किया तो पाप के कारण हम श्रापित जगह पे पहुंचे, परमेश्वर के श्राप के जगह पे, क्रोध के जगह पे पहुंचे। अगर हम जुना करार देखेंगे, जुना करार का आखिरी शब्द ये है कि पृथ्वी के ऊपर श्राप। तो हम देखते हैं यीशु ने क्या किया, हमको वो श्राप से छुड़ाया, खुद श्राप उसने क्या किया अपने ऊपर ले लिया और उस मरण, उस कुर्बानी के द्वारा हमें सदा के लिए नियम के दंड, न्याय से, न्याय के श्राप से हमेशा के लिए हमें क्या दिया? छुटकारा दे दिया। अभी हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं है, श्राप अभी नष्ट हो गई है। दूसरा,
कलोसी करास में लिखा है, दूसरा अध्याय 13 और 14, बहुत सारे चीज परमेश्वर के नियम में लिखा है हमारे विरोध थे, यीशु ने उस केस को भी बंद किया, हटाया, सामने हटाया। कलोसियंस चैप्टर 2:13-14, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की कतरनारित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। तो यहाँ लिखा है जो कुछ नियम में लिखा था जिन हमने नियम को तोड़े थे, तो यीशु ने हर एक पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर ले लिया और दंड भर कर वो जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था उसको हटा दिया और हमें छुटकारा दे दिया। तो हम देखते बाइबल में क्लियर लिखा है कि हम सुसमाचार के द्वारा न्याय से मुफ्त हो गया है, छुटकारा पाए, न्याय के दंड से हम छुटकारा पाए। थेसोलिनी करास, पहला थेसोलिनी करास, पहला अध्याय 10वां वचन, 1 Thessalonians 1:10, और उसके पुत्र के स्वर पर से आने की बात जोते हैं रहो जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाले प्रकोप से बचाया यानी आने वाले क्रोध से हमें बचाया। तो यीशु क्या करता है, हमें आने वाले परमेश्वर का आने वाला क्रोध आएगा, लेकिन यीशु ने हमको क्या किया है, उसके क्रूस की कुर्बानी के द्वारा आने वाले क्रोध से हमें हमेशा के लिए बचाया। तो जिन्होंने यीशु को अपनाया है वो पहले पुनरुत्थान में जाएंगे, दूसरे पुनरुत्थान में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां सफेद सिंहासन का दंड मिलेगा। तो अब हम लोग जिन्होंने यीशु को स्वीकारा है, सुसमाचार को अपनाया है, हम पहले पुनरुत्थान में जीवित हो जाएंगे और हम यीशु के साथ 1000 साल जिएंगे। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6वां वचन, Revelation 20:6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर दूसरे मृत्यु यानी दंड के मृत्यु उनके ऊपर लागू नहीं, लेकिन वो यीशु के साथ 1000 साल के लिए क्या करेंगे, राज करेंगे। अब तक हमने क्या सीखा, सुसमाचार और परमेश्वर के न्याय में क्या संबंध है। सुसमाचार परमेश्वर के न्याय से सहमत है पूर्णता से, सुसमाचार अभी परमेश्वर के न्याय से मुक्ति या छुटकारा देता है। सुसमाचार न्याय से, परमेश्वर के न्याय से, दंड से हमें छुटकारा देता है। सुसमाचार न्याय से मुक्ति छुटकारा देता है। तीसरी चीज, सुसमाचार मसीहा को न्यायाधीश के रूप में पेश करता है। सुसमाचार मसीह को, प्रभु यीशु को न्यायाधीश के रूप में पेश करता है। अब हम देखते हैं सुसमाचार में ये बताती है कि एक दिन लोगों का न्याय होगा, लेकिन एक व्यक्ति न्याय करेगा। ऐसा नहीं कि 10 लोग या 20 लोग या 1000 लोग न्याय करेगी, नहीं नहीं, एक व्यक्ति न्याय करेगा। एक व्यक्ति पूरे मनुष्य जाति का न्याय करेगा, ये कैसा हो सकता है, कैसा हैंडल कर सकता है एक व्यक्ति। और बाइबल हमें बताती है नया करार में, वो व्यक्ति जो न्याय करने वाला है उसका नाम है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जगत का न्याय करता, एक ही न्याय करने वाला, वो जल्दी आने वाला है और वो न्याय करने वाला है। हमने सुना है कि यीशु पापियों का मित्र है, हाँ पापियों का मित्र है, लेकिन सब पापियों का न्याय भी करने वाला है।
जो पापियों ने उनको नाकारा है उनका वो क्या करेगा, न्याय करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पापी मर गए उनका न्याय कैसा होगा? बाइबल में लिखा है जो पापी मर गए उनको यीशु जिलाएगा। तो अंतिम दिन में जो पापी मर गए उनको न्याय नहीं मिला, न्याय से बच गए, संसार के न्याय से बच गए, लेकिन परमेश्वर के न्याय से नहीं बच गए। जो व्यक्ति इस दुनिया में है पापी लोग है, जो संसार के कानून से बच गए, अंतिम दिन में उनका न्याय होगा, वो जिलाए जाएंगे, मरे हुए से जिलाए जाएंगे और वो यीशु के सामने खड़े रहेंगे और यीशु उनका न्याय करेगा। तो सब पापी मनुष्य जाति एक दिन जीवित किए जाएंगे और उनका न्याय होगा अंतिम दिन में। अंतिम दिन में उनका न्याय होगा और उनको बताना पड़ेगा कि मैंने ये किया है और उसके हिसाब से उनको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। वो बच नहीं सकते। इसका मतलब अगर यीशु को न्याय करना है, यीशु को सब जानकारी होना है कि उनका जीवन कैसा था, क्या है, आदमी के अंदर क्या है, उसके मन में क्या था, उसके दिल में क्या था, ये उसको सब पता है। ऐसा कैसा हो सकता? क्योंकि यीशु परमेश्वर का देह अवतार है। विशेष गुण, धार्मिक गुण यीशु में है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली वही है, इसीलिए वो ठीक तरह से न्याय कर सकता है। अगर वो सर्वज्ञानी नहीं होता तो न्याय कैसा कर सकता था? सर्वव्यापी नहीं होता तो न्याय कैसा करता था? क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो न्याय कर सकता है। उसको जानकारी है हर एक इंसान के बारे में। बाइबल में लिखा है हर एक इंसान में क्या था उसको पता था। आइए हम बाइबल के कुछ वचन देखेंगे। यूहन्ना का पांचवा अध्याय 22, जॉन चैप्टर 5 वर्स 22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पुत्र को न्याय का अधिकार सौंप दिया गया है। 27 वचन 27। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। 30 वचन पढ़ेंगे, 30 verse 8। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। तो यह लिखा है कि मैं न्याय करता हूँ, सही न्याय करता हूँ। यूहन्ना का 12 अध्याय 48, जॉन 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, Amen. उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हम देखते हैं पिछले दिन यानी अंतिम दिन में उसका क्या होगा, न्याय होगा। जिन्होंने मेरे संदेश को नकारा है, अंतिम दिन में वही संदेश के कारण उसका न्याय होगा। ये अच्छे खबर को, सुसमाचार को जो नकारते हैं, वही सुसमाचार उसके सामने पेश होगा, क्योंकि उसने सुसमाचार को नकारा है और उनका न्याय होगा। प्रेरितों का किताब हम पढ़ेंगे, एक्स चैप्टर 10 verse 42, 10वां अध्याय 42 वचन। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो, और यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। परमेश्वर ने उसको चुना है, पिता ने चुना है, ताकि वो जीवित और मरे हुए का क्या करे, न्याय करे। जो जीवित है और जो मर गए हैं उनको भी जिलाएगा और उनको उनका क्या करेगा, न्याय करेगा। उसी किताब 17 अध्याय 31, एक्स चैप्टर 17 verse 31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिससे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर वह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हम देखते हैं परमेश्वर ने एक दिन ठहराया जहां यीशु मसीह के द्वारा पूरे जगत का वो न्याय करेगा और लोगों को दिखाया, उसको जिलाया।
ये उसका पुनरुत्थान हुआ ताकि लोग देख सके कि ये पवित्र जन है जो पूरी दुनिया का क्या करेगा, न्याय करेगा। दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय पहला वचन, सेकंड तिमोथी चैप्टर 4:1, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। प्रभु यीशु न्याय करेगा, जीवित और मरे हुए को क्या करेगा, वो न्याय करेगा। अभी एक आखिरी वचन हम देखेंगे, मत्ती की किताब 25वां अध्याय 31-32, या ये राज्यों का न्याय, राष्ट्रों का न्याय होगा जब यीशु स्वर्ग से नीचे आएगा उसके मंडली के साथ, कलीसिया के साथ, तब राष्ट्रों का न्याय होगा। तो अभी हम ये यहाँ देखेंगे यीशु न्याय करेगा, राष्ट्रों का न्याय करेगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो ये राष्ट्रों का न्याय, तो बाइबल यीशु को पेश करता है कि वो न्यायाधीश है। क्या सीखे आज हम? सबसे पहले सुसमाचार और परमेश्वर के न्याय में क्या संबंध है? सुसमाचार परमेश्वर के न्याय से संयमित है, विरोध नहीं करती, पूर्णता से। सुसमाचार हमें न्याय के दंड से मुफ्त देता है, मुफ्ती करता है, मुक्ति देता है, छुटकारा देता है। तो जो कोई सुसमाचार को अपनाया है उनके ऊपर न्याय का दंड नहीं। तीसरा चीज हम देखते हैं, सुसमाचार प्रभु यीशु को न्यायाधीश के रूप में पेश करता है। जिन्होंने प्रभु यीशु को अपनाया है उनका नाश नहीं होगा। जैसा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे उनका नाश न हो परंतु उनको अनंत काल जीवन मिले। अगर आप ये वचन सुन रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब हमको न्याय के दंड से बचना नहीं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे हम वो न्याय के दंड को निकाल सके। हम न्याय के दंड को हमारे अच्छे कर्मों से या हमारे धार्मिकता के चाल चलन से, व्यक्तिगत जीवन से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम जन्मे थे हम पापी स्वभाव लेकर जन्मे थे, और इस पापी स्वभाव के कारण हम हर दिन पाप करते हैं, और हर दिन हमारा पाप परमेश्वर के किताब में लिखा गया है। अगर परमेश्वर उसके पवित्रता से, हमारे धार्मिकता से हमारा न्याय करेगा, तो हम सबके ऊपर न्याय गिर जाएगी। बाइबल में लिखा है कि हमारी धार्मिकता खुद के कर्म गंदे चिंदी के समान है परमेश्वर के सामने, तो हम उसको खुश नहीं कर सकते। बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कबूल करना चाहिए कि हम पापी हैं, खुद के शक्ति से हम अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन परमेश्वर ने सुविधा किया है, उसका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु धरती पर आया, हमारे लिए पवित्र जीवन जिया, 100% आज्ञा पालन रहा क्रूस के मृत्यु तक, जो कुछ सजा दंड हमारे ऊपर गिरनी थी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, वो हम सभी के लिए क्रूस पर मरे, पापों का दंड भर दिए, पवित्र लहू बहाए, मर के फिर से जी उठे। आज वो प्रभु यीशु जीवित है, जो कोई उसके तरफ देखकर उसको अपनाएगा वो उन्हें पापों से मुक्ति देगा, क्षमा देगा, जीवन देगा। अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल खुला करो, उसके बारे में सीखो। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं आपको बाइबल दे दूंगा, मुझे फोन कीजिए, प्रश्न पूछिए। वो यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, उसके नाम में छुटकारा है, उसके काम में छुटकारा है, उन्होंने हमको छुटकारा दिया है। जो कोई उसके पास आएगा पिता के साथ उसका रिश्ता कब नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, न टूटने वाली रिश्ता वो आपको देना चाहता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। सुसमाचार
हमको इतना हल्का बनाता है, वो डर निकालता है कि जीवन भर हम डरे हैं कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि शरीर से निकले तो हम परमेश्वर के दरबार में पहुंच गए, हमारा डर हमारा दंड भर चुका है प्रभु यीशु, हम मृत्यु से अनंत काल जीवन में दाखिल हो गए हैं। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये वचन सुना है उनको आप स्पर्श कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम न्याय से सीमित हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आपने जो न्याय का दंड हमारे ऊपर गिरनी थी आपने उनको हमेशा के लिए हटा दिया, जो श्राप हमारे ऊपर गिरना था उससे आपने नष्ट किया, जो चीज़ हमारे विरोध में लिखे थे उसको आप सामने से हटा दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु इस सुसमाचार के लिए, हम मुक्ति पाए, हम जीवन पाए, हालेलुया। हम धन्यवाद देते कि जो न्याय करने वाला न्यायाधीश आज हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है, ताकि हम उसके दरबार में जल्दी आ सके, सुरक्षित आ सके, जहां आप हो हम भी एक दिन हो जाएंगे। धन्यवाद और स्तुति, धन्यवाद यीशु। आखिरी आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह, पवित्र आत्मा तेरी सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए रहे। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू।